फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन पे। मैं चंदन कुमार, आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल का प्रॉपर एसईओ कैसे करेंगे। एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है अपने यूट्यूब चैनल का कैसे करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूँ कि बड़ी ही पुरानी कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। यानी कि दिखता इन द सेंस कि आपका यूट्यूब चैनल जो है इस प्रकार से दिखना चाहिए कि लोगों को लगे और यूट्यूब चैनल्स को लगे कि आपका जो चैनल है एक बेहतरीन है। अब इसके दो तरीके होते हैं। एक तो आप फिजिकली, मैं आपको बता दूं कि आपका चैनल्स का जो प्रॉपर बैनर्स, लोगो वगैरह या चैनल्स का नाम वगैरह प्रॉपर वे में होना चाहिए, ताकि लोग एक बार विजुअली आके देखें तो उनको लगे कि हाँ, ये चैनल बेहतरीन है और हमें यहाँ पर कुछ मिलेगा। इसके अलावा दूसरा जो तरीका होता है वो सर्च इंजन का होता है यानी कि जो गूगल्स है या फिर यूट्यूब का जो सर्च एल्गोरिथम है वो आपके चैनल को सर्च करता है। तो किस प्रकार से आप अपने चैनल में कुछ सेटिंग करेंगे, कुछ कीवर्ड लिखेंगे, जिस वजह से आपका चैनल जो है गूगल के नज़रों में आएगा, यूट्यूब के नज़रों में आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और ये प्रैक्टिकली बताऊंगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, फिलहाल आपको कम समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, मैं आप लोगों को बिना किसी विलम्ब के ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और वहीं पर आपको बताता हूँ वर्बली कि आप किस प्रकार से अपने YouTube चैनल को जो है डिजाइन करोगे, किस प्रकार से सेटिंग करोगे, किस प्रकार से प्लेलिस्ट लगाओगे, तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा। दोस्तों, तो फाइनली आ गया हूँ मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और मैं यहाँ से सिंपल सा जो YouTube की जो हमारी चैनल है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो गूगल क्रोम में आ गया हूँ और यहाँ से मैं यूट्यूब ओपन कर रहा हूँ। यूट्यूब ओपन करने के बाद मैं अपना चैनल दिखाता हूँ आपको कि मेरा चैनल कैसे दिखता है और आपको भी अपने चैनल को कुछ इसी तरह से कस्टमाइज करना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस पूरे वीडियो का जो हमारा टाइमिंग चल रहा है यानी कि इस समय मैं आप लोगों को पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट दे रहा हूं, हर कुछ बता रहा हूं शुरू से, यानी कि यूट्यूब चैनल बनाने से लेके यहां तक कि मैंने ईमेल आईडी बनाना भी आपको सिखाया है। तो मैं यहाँ से सिंपल सा जो है मैं अपना YouTube चैनल है वो ओपन कर लिया हूँ। देखिए, ये हमारा YouTube चैनल है बिहार डेलीगेशन के नाम से और ये जब ओपन होता है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर ये लगा पड़ा है बैनर्स, उसके बाद यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। ये चीज़ें जो मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आप बैनर कैसे लगाएंगे, लोगो कैसे लगाएंगे, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं आपको वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके आप वो चीज़ें देख लीजिएगा। अब इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि नीचे यहां पे एक ऑप्शन दिख रहा है, यहां पे जब आप चैनल पे विजिट करते हो तो यहां पे एक वीडियो ऑलरेडी चल रहा होता है। उसके अलावा ये पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है एक कैटेगरी का, उसका सेकेंड कैटेगरी का, उसके बाद ये हमारा दूसरा जो चैनल है उसका भी लिंक यहाँ पर दिया गया है। तो ये प्रॉपर कस्टमाइजेशन होता है चैनल का, वो मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए सिंपल सा करना क्या होता है कि आपको अपने ईमेल आईडी जिससे आपका यूट्यूब चैनल, उसको लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद अपने चैनल पे आप आइएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लोगो पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है योर चैनल का। योर चैनल पर क्लिक करने के बाद आप इसी पेज पर वापस रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वापस इसी पेज पर मैं आ चुका हूँ रिडायरेक्ट होकर। उसके बाद आपको यहाँ पर करना होता है कस्टमाइज चैनल पर क्लिक। कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करने के बाद आपका जो वेबसाइट है YouTube क्रिएटर स्टूडियो में रिडायरेक्ट हो जाता है। आप मोबाइल पे भी ये चीज़ें कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते चीज़ें मैं पिछले तमाम वीडियो में बताया हूँ। आपको मोबाइल को सिंपली सा डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है, उसके बाद आपका मोबाइल का स्क्रीन है वो भी कंप्यूटर जैसा ही दिखेगा। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपने चैनल का प्रॉपर कस्टमाइज नहीं करोगे तो व्यूअर को आपको लगेगा कि ये चैनल जो है काफ़ी अच्छा नहीं कर रहा है, यानी कि आपके चैनल, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको चैनल्स को थोड़ा दिखाना भी है, एक प्रोफेशनल आपके चैनल की लुकिंग होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप ये कर लीजिएगा और मैं आपको प्रॉपर करके बताता हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल आ गया हूँ मैं अपने चैनल के पेज पे स्टूडियो, यूट्यूब स्टूडियो में इस तरह से हमारा चैनल पेज खुलता है। और जब शुरू शुरू में आपका
पेज खुलेगा तो ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं दिखेगा, ये लेआउट का ऑप्शन होता है। मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को जो एक ऐसे चैनल है जहाँ पे ये चीज़ें नहीं है वहाँ से दिखा देता हूँ, या फिर मैं एक काम कर लेता हूँ यहीं को इसी को डिलीट कर देता हूँ। चलिए ये रहा, ये हमारा वीडियो यहाँ पे प्ले हो रहा था, इसको मैंने कर दिया रिमूव, इसको भी कर दिया रिमूव, ये प्लेलिस्ट था इसको भी कर दिया रिमूव। अब देखिए जब आप ओपन कीजिएगा तो आपका जो डैशबोर्ड में आइएगा तो आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा लेआउट। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखता है चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हैवेंट सब्सक्राइब, आपको यहाँ पे वो वीडियो चलाना है जो आपका बेहतर वीडियो हो, यानी कि बेहतरीन वीडियो हो जो कि वैसे यूजर्स को दिखे जिन्होंने आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको एक बेस्ट वीडियो जो आपको होता है उसको ऐड सेक्शन पे क्लिक करके ऐड कर देना होता है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ और जो मेरा बेस्ट वीडियो है वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। मैं अपना बेस्ट वीडियो जो है ये यहाँ पे लगा दिया हूँ। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड्स ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप वीडियो जब लगाइएगा तो जो आपके सब्सक्राइबर होंगे यानी कि जिन्होंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा उनको यहाँ पे लगा हुआ सेकेंड नंबर पे लगा हुआ वीडियो दिखेगा, फिर ये जो वीडियो ऊपर देख रहे हैं ये नहीं दिखेगा। तो मैं यहाँ पे एक और वीडियो लगा देता हूँ, तो दोस्तों इस तरह से आप जो है अपने चैनल्स के पेज के ऊपर जो है होम पेज के ऊपर भी देखिए ये वीडियो जो है ऑटोमेटिक कोई चैनल जो है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा उनको ये वीडियो शो होगा। इससे क्या होगा कि आपके चैनल्स का लुक अच्छा लगेगा। उसके बाद ये नीचे कॉलम होता है, यहाँ पे आप अपना प्लेलिस्ट वगैरह जोड़ सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पे हम टोटल ना 10 सेक्शन जोड़ सकते हैं, 10। यहाँ पे देखिए 6-7 जुड़ा पड़ा है। मैं आपके डेमो के लिए जो है यहाँ पे एक चैनल जो है और ऐड एक सेक्शन और ऐड करके बताता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन दिखता है ऐड सेक्शन का, तो ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो है सेक्शन का नाम वगैरह या फिर लाइव स्ट्रीमिंग जो भी देना चाहते दे। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ एक ना यहाँ पे प्लेलिस्ट जो होता है वो क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट प्लेलिस्ट पे क्लिक करके। देखिए हमने जो प्लेलिस्ट क्रिएट किया था वो बिल्कुल नीचे वाले सेक्शन में चला गया, यहाँ पे दिख रहा है ना क्रिएटेड प्लेलिस्ट। तो आप इसको चाहे तो एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे जहाँ भी, यानी कि आपको पहले एक अपना प्लेलिस्ट बनाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे शॉर्ट वीडियो का एक प्लेलिस्ट अलग बना रखा हूँ। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी है, जैसे ये बिहार बोर्ड से रिलेटेड वीडियो है, ये गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो है, ये यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो है, तो ये चीज़ों को मैं जो है लगा रखा हूँ। अब ये देखिए ये जो प्लेलिस्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है इसको आप चाहे तो ऊपर नीचे अपने सुविधा के अनुसार जहाँ पे दिखाना चाहते हैं वहाँ पे ऐसे देखिए सेकेंड नंबर पे आ गया। तो ऐसे करके आप चैनल को जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। प्रॉपर वे में प्लेलिस्ट कैसे बनाते हैं, वीडियो वगैरह कैसे ऐड करते हैं प्लेलिस्ट में, इसका मैं एक प्रॉपर वीडियो आपको ला के दे दूँगा, तो आप उस तरीके से प्लेलिस्ट बनाना सीख जाइएगा। तो उसके बाद आपको करना क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये पॉपुलर अपलोड जो है सबसे ऊपर दिखेगा, उसके बाद सेकेंड नंबर पे ये पॉपुलर अपलोड है। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि ये जो अभी नया प्लेलिस्ट क्रिएट किया हूँ इसको ऊपर लगा देता हूँ, ये आ गया ऊपर, और ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आ गया, और इसको और ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ आ गया। और इसको और ऊपर करेंगे यहाँ आ गया, तो ये हो गया डन। तो इस तरीके से आप जो है अपना जो है चैनल का प्लेलिस्ट वगैरह और ये आगे चैनल का जो डिज़ाइन है वो कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली से यहाँ से कर देना होता है पब्लिश। तो ये जो पहला काम था ये व्यूअर को शो होने के लिए था। उसके अलावा आपको बता दें कि इसके अंदर सेकेंड कॉर्नर ये जो दिख रहा है ब्रांडिंग, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से अपने चैनल्स का लोगो वगैरह लगा सकते हैं और यहाँ से थंबनेल लगा सकते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ तो आपको बता ने कि अभी ज़रूरत नहीं समझता हूँ मैं, अगर जिनको नहीं पता होगा तो उनके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा कि प्रॉपर वे में थंबनेल और लोगो कैसे लगाते हैं। अब सेकेंड नंबर चीज़ होता है चैनल की सेटिंग वगैरह कुछ करनी होती है, जिसके वजह से यह होगा कि आपका जो
वीडियो है यूट्यूब के नज़र में आएगा, गूगल के नज़र में आएगा। तो उसके लिए करना क्या होता है कि यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है सिंपल सा सेटिंग, उस पर क्लिक करना होता है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वहाँ के पैसे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे डॉलर है तो आप, फिलहाल मैं बता दूँ कि इसके अंदर रुपये वगैरह का भी ऑप्शन आता है, तो उसको भी चेंज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो अर्निंग होगी वो उस कंट्री के जो मनी होता है उसमें शो करेगा। फिलहाल मैं इसको डॉलर ही रहने देता हूँ, डिफ़ॉल्ट यूनिट यहाँ पे डॉलर है, डॉलर। उसके बाद आपको यहाँ पे चैनल में आना होता है। चैनल में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है सेकेंड ऑप्शन, और यहाँ पे आपको पहले नंबर पे आपको यहाँ पे आपका कंट्री चूज करना होता है कि आप किस कंट्री से वीडियो बनाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, आपको अपने कंट्री यहाँ से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि इतने सारे चीज़ें मैं इसके अंदर लिख रखा हूँ, यानी कि आपको इसके अंदर आप किस टाइप के वीडियो बनाते हैं, आपके चैनल्स का नाम, आपका अपना नाम, ये तमाम चीज़ें जो होता है इसके अंदर आपको एंटर करनी होती है। साथ ही कुछ बड़े यूट्यूबर्स जो होते हैं उनका नाम वगैरह भी टैग में लगाना होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे मैं एक ऐड करके बताता हूँ, यहाँ पे नीचे अब मैं लिख देता हूँ टेक्निकल योगी, और उसके बाद यहाँ पे कॉमा दे दीजिए तो एक टैग ऐड हो गया। उसके बाद देखिए मैंने मनोज डे, चंदन कुमार, बिहार डेलीगेशन, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब टिप्स, अर्निंग ऑनलाइन, यानी कि आपका यूट्यूब जो है जिस चीज़ से रिलेटेड हो उस कैटेगरी में जो पॉपुलर लोग हो उस कैटेगरी का सारा कुछ इसके अंदर कीवर्ड डालना होता है। कीवर्ड डालने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पे कर देना होता है सेव। ये अगर आप कर देते हैं तो आपका जो चैनल होता है यूट्यूब के नज़र में आ जाता है, यानी कि यूट्यूब का जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है ये पढ़ लेता है कि आपका चैनल किस कैटेगरी का है। उसका सेकेंड ऑप्शन जो होता है इसके अंदर चैनल के अंदर आप एडवांस सेटिंग करके आप अपने सब्सक्राइबर वगैरह हाइट वगैरह कर सकते हो। अगर आपका नया यूट्यूब चैनल है तो इस पर एडवांस पे क्लिक करके यहाँ पे सब्सक्राइबर काउंट को जो है यहाँ पे जो टिक हो रखा है, यानी कि मेरा सब्सक्राइबर डिस्प्ले हो रहा है, तो इसको आप अनटिक करके जो अपने सब्सक्राइबर को हाइड कर सकते हो। सब्सक्राइबर हाइड करने का मैं प्रॉपर वीडियो पहले ही ला चुका हूँ। तो ये दो सेटिंग जो है आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। इसके अलावा बताऊँ कि अपलोड डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे भी आपको आके एक सेटिंग कर लेनी है। वो सेटिंग ये कर लेनी है कि यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप चाहे तो कई चीज़ें देखिए, मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी लिखा पड़ा है कि मेरा फेसबुक पेज का लिंक ये है, मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक ये है, ये मेरा अमेजन एफिलेटेड लिंक है, यानी कि अमेजन पे कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह मैं डाल रखा हूँ। तो ये चीज़ें आप डिफ़ॉल्ट में डिस्क्रिप्शन लिख के यहाँ पर डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको बार बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें नहीं लिखनी होगी। आप अपने प्लेलिस्ट को यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे विजिबिलिटी जो है यहाँ पे पब्लिक हो रहा है, तो आप इसे पब्लिक चाहे तो पब्लिक कर दे या फिर अनलिस्टेड कर दे। उसके बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग में आके आप अगर रेगुलर एक ही कैटेगरी के वीडियो डालते हैं तो यहाँ पे आके आपको कैटेगरी जो है वो चेंज करना है। जैसे मैं रेगुलर फ़िलहाल यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं साइंस और टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करके यहाँ पर सेव कर रखा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें होती है, ये आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, जिससे आपका चैनल जो है यूट्यूब के नज़र में और गूगल के नज़र में आता है। तो फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का जो बटन है वो ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट।